Hello students, how are you all? Today we are doing unit 3 and this is class 2 plus physics, and our unit 3 is magnetism, that is magnetic effect of current. So our today's topic is hysteresis curve. So what is hysteresis curve? It is represent the relation between induction and intensity of magnetization. ओके किस किस के बीच में रिलेशन शो करती है ये इंडक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप शो करती है. ओके ये किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दीज मटेरियल्स देन यू कैन सी द प्रीवियस पार्ट विद मैग्नेटाइजिंग फोर्स और यू कैन से विद मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट इज यू कैन से एच. ओके दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड इट्स शो द बिहेवियर ऑफ मटेरियल एज इट इज टेकन थ्रू ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. बेसिकली ये क्या करता है, बेसिकली ये कर्व हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमें रिप्रेजेंट करती है द बिहेवियर, इट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल किसी भी मटेरियल का बिहेवियर शो करती है ये एज इट इज टेकन थ्रू ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. क्लियर? अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा बेटा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? डायग्राम्स वगैरह तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो बेसिकली ये कर्व हमें क्या शो करती है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के बिहेव को शो करता है, ठीक है? जब वो एक पूरी साइकिल से, मतलब कि मान लो आपने किसी चीज़ को पहले मैग्नेटाइज किया फिर उसको डीमैग्नेटाइज करा, तो ये जो पूरी साइकिल है ना कि वो मैग्नेटाइज हुआ तब क्या हो रहा है, जब डीमैग्नेटाइज हो रहा है तब क्या हो रहा है, वो जो बिहेवियर है उसको हमें कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? उसी कर्व को क्या बोला जाता है बेटा, हिस्टेरेसिस कर्व बोला जाता है. अब इस कर्व के अंदर हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं बेटा. ओके तो इसी टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, इट्स द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल. ओके तो हमने ये माना स्टार्टिंग में कि सपोज द मटेरियल इज अनमैग्नेटाइज्ड, ठीक है? हमें किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है और जब हम उसको मैग्नेटाइज करेंगे, चुंबक बनाएंगे, मैग्नेट बनाएंगे, उस टाइम पे क्या प्रोसेस फॉलो होती है, और जब वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा मतलब वो चुंबक नहीं रहेगा तब क्या प्रोसेस. तो जो पूरी ये प्रोसेस है ना, पूरी जो ये साइकिल है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, इसी को शो करता है, ठीक है? चलो अब इसको अच्छे से करते हैं बेटा. ओके सो हमने एक मटेरियल कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक मटेरियल है वो अनमैग्नेटाइज है स्टार्टिंग में. जब अनमैग्नेटाइज है, अगर वो मैग्नेटाइज हुआ ही नहीं है, वो मैग्नेट बना ही नहीं है, इट मीन्स उसका बी भी जीरो होगा और उसका एच भी जीरो होगा, ठीक है? बी भी इसका जीरो होगा और इसका एच भी क्या होगा, जीरो होगा. तो हमने कर लिया सपोज लेट द मटेरियल इज अनमैग्नेटाइज. जो हमारे पास जो भी मटेरियल है वो मटेरियल क्या है, अनमैग्नेटाइज है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैग्नेटाइज होगा ही नहीं, हमने उसको क्या करना है, मैग्नेट बनाना है उसको. जब वो अनमैग्नेटाइज है स्टार्टिंग वाली कंडीशन में, तो यू कैन से इट मींस क्या है, इट मींस इसका जो बी है वो भी जीरो है और उसका जो एच है वो भी जीरो है, ठीक है? ओके सो दिस स्टेट रिप्रेजेंट बाय द ओरिजिन. तो इस स्टेट को हम कैसे शो करेंगे, ओरिजिन के थ्रू शो करेंगे. स्टेट को हम कैसे शो करेंगे, ओरिजिन के थ्रू शो करेंगे स्टूडेंट्स. ओके सो दिस इज स्टेट बाय द ओरिजिन. सो नाउ वी विल प्लेस द मटेरियल इन ए सोलेनोइड एंड इंक्रीज द करंट. अब हमने क्या करा, जो मटेरियल हमारे पास था, मान लो ये मटेरियल है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ, हमें इसको मैग्नेटाइज करना है. फिर मैंने क्या करा, इस मैग्नेटाइज को एक सोलेनोइड के अंदर रख दिया, ठीक है? एक सोलेनोइड मैंने लिया, ओके, और उस मटेरियल को हमने क्या कर दिया, उस सोलेनोइड के अंदर रख दिया ऐसे, ठीक है? और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, करंट को इंक्रीज कर दिया. जैसे जैसे आपको पता है आई इंक्रीज होगा तो मैं बी भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बी इंक्रीज होगा तो एच भी इंक्रीज हो जाएगा. तो धीरे धीरे जो हमने ये मटेरियल लिया है, हमने सोलेनोइड के अंदर रख दिया, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, मीन्स ये मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है? सो जब वो मैग्नेट बनेगा
तब उसको हमें कर्व की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, इस करंट को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ये डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा तो वो प्रोसेस क्या होगी, हमें वो भी तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन शो करता है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बीच में, उसी को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। तो अब इसको हम करके देखते हैं बेटा कि कैसे क्या होता है ये। ठीक है, चलो अब उस कर्व को हम बनाते हैं। चलो तो यहाँ पे हम इसका कर्व बना लेते हैं, यहाँ पे हम उसको थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करते रहेंगे। क्लियर, तो हमने बेटा ये अपना वाई एक्सिस ले लिया और ये हमने अपना एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक है, इसके अलोंग हमने लिया है अपना, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। क्लियर, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है एच को। ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग हमने एच लिया, तो अंडरस्टूड सी बात है, इधर हमारा माइनस एच होगा और इधर हमारा एच पॉजिटिव में होगा। और इसके अलोंग हमने किसको लिया है, बी। ठीक है, तो ये हमारा माइनस में भी और ये प्लस में भी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन। ये हमारा क्या है बेटा, ओरिजिन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी साइकिल कैसे कवर होती है वो हमें देखना है। क्लियर, अब देखो बेटा, हमने स्टार्ट, तो वी प्लेस द मटेरियल, हमने उस मटेरियल को सोलेनोइड में रखा, करंट इंक्रीज होता चला गया धीरे धीरे। अब क्या कह रहा था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज। अब ये बताओ, अगर उसमें आई इंक्रीज हो रहा है, हमने उसको मटेरियल को रख दिया ना, तो उसमें बी भी इंक्रीज हो रहा है और उसमें एच भी इंक्रीज हो रहा है इन स्टार्टिंग कंडीशन, तो सबसे पहले तो वो इंक्रीज होता चला जाएगा। चलो अच्छी बात है, हमने उसको इंक्रीज कर दिया कंटिन्यू। ठीक है, उसमें कंटिन्यू क्या होता चला गया, इंक्रीमेंट होता चला गया, उसमें करंट पड़ता चला गया, तो वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया, वो मैग्नेटाइज हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है, द मैग्नेट इंडक्शन इन द मटेरियल इंक्रीज, सो दिस बिहेवियर रिप्रेजेंट अलाइनमेंट एंड मर्जर ऑफ द डोमेन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अंटिल नो फर्दर नेसेसिटी ऑफ बी। अब ये क्या कह रहा है, जब बेटा ये हमने इसको सोलेनोइड के अंदर रखा था स्टूडेंट्स बेटा, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि हमने इसको क्या करा है, मैग्नेटाइज करा, तो बेटा ये जब मैग्नेटाइज हो रहा है तो वहाँ पे हमारा बी भी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा और एच भी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, मतलब दे आर कंटिन्यू इंक्रीजिंग। तो एक लिमिट होती है बेटा हर एक चीज़ की, ये एक लिमिट तक मैग्नेटाइज हो सकता है। जो मैंने ये मटेरियल लिया था, वैसे ये आपको पता है प्लास्टिक का मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, बट हम जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो बेटा एक लिमिट है कि एक हद तक ये चुंबक बन सकता है, उसके बाद ये डी मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर, तो एक लिमिट तक ये मैग्नेट, मान लो ये ओ से ए तक हमने इसको क्या करा, ओ टू ए हमने इसको मैग्नेटाइज करा। अब एक एक्सेस लिमिट के बाद, मैग्नेटाइज होने के बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, ये ए टू बी पे आएगा, ए टू बी पे ये धीरे धीरे डी मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो, ए ओ से ए पर जब हम जा रहे हैं तो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, जब ये ए टू बी पर आ रहा है बेटा, जब ये सेकेंड केस में देखो, जब ये ए टू बी पे आ रहा है तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इस पाथ में जो हमारा एच है वो तो जीरो है, ए टू बी में देखो बेटा एच तो हमारा क्या है, जीरो, बट बी नॉट इक्वल टू जीरो इस कंडीशन पे देखो बेटा, यहाँ आने के बाद ये हमारा एच है इस कंडीशन पे, एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा इस वाली लाइन पे। ठीक है, बट जो बी है ना वो हमारा जीरो नहीं है। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किसी भी चीज़ को जब आप डीमैग्नेटाइज कर देते हो ना, तो वो एकदम से डीमैग्नेटाइज नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का उसमें करंट बंद होने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन रहता है। देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने मान लो मोटर को बंद कर दिया, पानी वाली मोटर है, वो भी इसी पे बेस्ड होती है मैग्नेटिज्म पे, तो ये क्या कह रहा है कि वो मैग्नेट बन चुका है, बट जब करंट को ऑफ करते हो तो भी कुछ टाइम तक उसमें मैग्नेटिज्म रहता है। हम उसी पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ए से बी के बाद बेटा ये आ जाएगा पॉइंट सी पर, इस पॉइंट पे, किस पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे, ये यहाँ आ गया, ये पॉइंट है हमारा सी। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा था, मैग्नेटिज्म इज लैक्ड इन द, तो कुछ मैग्नेटिज्म इसके अंदर रहेगा बेटा, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिज्म इंडक्शन लैक्ड इन द स्पेसिमन। ये कह रहा है कि यहाँ पर जब ए से बी पर, मतलब हमें इसको यहाँ पे तो हमने इसको मैग्नेटाइज कराया ओ टू ए, फिर हमने इसको करा डी मैग्नेटाइज, तो जब इसको हम डी मैग्नेटाइज कर रहे हैं ना बेटा, तब भी इसमें कुछ मैग्नेटिज्म रहता है। तो ये क्या कह रहा है बेटा, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। यहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया, रिटेंटिविटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर रिटेंटिविटी, यानी कि इसको आप कह सकते हो रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, रहा हुआ मैग्नेटिज्म, रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म इसके अंदर बचा हुआ है, करंट ऑफ होने के बाद भी इसमें जो मैग्नेटिज्म बचा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा, इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, इट इज़ द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेनिंग इन द स्पेसिमेन। ठीक है, इट इज
काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये वापस आ रहा होता है, डीमैग्नेटाइज हो रहा होता है, उस टाइम इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं बेटा एक्टिविटी। सो ये क्या है, इट इज़ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन इन द मटेरियल। ठीक है, उसके अंदर जो बचा हुआ मटेरियल है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज H इज रिमूव्ड। जब हम H को हटा देते हैं तब भी उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म रहता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रिटेंटिविटी। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, जो ये OB है हमारा, OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटेंटिविटी को, जो ये हमारा पाथ है, जो ये हमारा बचा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, बिकॉज H को तो हमने रिमूव कर दिया, हमारे पास अब क्या बचा, ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट इनकी B बचा हुआ है ना, तो OB यहाँ पर क्या है बेटा, रिटेंटिविटी। OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटेंटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कि अब ये पॉइंट है ना, बी से सी पर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, B to C। ठीक है बेटा, जब ये B to C पर आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, देखो अब कह रहा है कि द करंट इज सोलन रिवर्स्ड एंड इंक्रीज स्लोली। अब इसमें क्या हो जाएगा, करंट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम इसके सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं बेटा। ठीक है, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो करंट रिवर्सली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब करंट उल्टा होके बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा H है बेटा। जब ये यहाँ आ रहा है तो करंट क्या कर रहा है, करंट अब है ना, करंट है ना रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये उल्टा चलना शुरू हो गया। देखो यहाँ पे मैग्नेटाइज हुआ, डी मैग्नेट, फिर यहाँ आ गया, अब रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो गया, करंट को हमने इंक्रीज करा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट को इंक्रीज करके देखा, तो उस टाइम पे क्या होगा, सर्टेन डोमेन्स, कुछ जो डोमेन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में करंट को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा बी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर कुछ रिड्यूस हो जाएगा, कुछ अमाउंट में कम हो जाएगा। हालांकि आप करंट बढ़ा रहे हो, दैट्स नॉट ए मैटर, बट वो रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो ना, इस वजह से मैग्नेटिज्म हमारा कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। सो दिस इज रिप्रेजेंट बाय द कर्व BC, और इसको हम किस रिप्रेजेंट कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे, BC। ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा, फर्स्ट O to A, सेकेंड A to B एंड थर्ड B to C। ठीक है, अब हम करंट को रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करें तो हमारा मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, और इसको हम BC से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। ठीक है, इट मींस द रिड्यूस द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी इज जीरो। अब यहाँ पे जो रिटेंटिविटी है, क्योंकि जो ये वर्टिकल लाइन थी, यहाँ पे तो कोई वर्टिकल लाइन है ही नहीं, तो यहाँ पे रिटेंटिविटी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे हमारी रिटेंटिविटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, OC। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो ही चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट मिली हैं, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई करा, जिसको हमने OC से रिप्रेजेंट करा, जो हमारे पास ये अप्लाई हुआ है। ठीक है, OC इन अपोजिट डायरेक्शन, ताकि अपोजिट डायरेक्शन में ज़बरदस्ती हमने इसको भेजने के लिए बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करा है। ठीक है, इस एक्स्ट्रा फोर्स को, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है हमारे पास, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोसिविटी ऑफ मटेरियल, यानी कि आप इसको क्या बोलोगे, कोरोसिविटी, यानी कि कोरोसिव फोर्स, जो आपने फोर्स लगाया है, जो ये फोर्स लगाया है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, कोरोसिविटी, CoerCivitY, कोरोसिविटी। ठीक है बेटा, ये कोरोसिविटी है। तो ये क्या होती है बेटा, इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये क्या करता है, इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड को मेजर करता है। ठीक है, यानी कि एच को, रिक्वायर टू डिस्ट्रॉय द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रिक्वायर टू डिस्ट्रॉय, ये किस लिए लगा रहे हैं हम एक्स्ट्रा फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, ताकि जो इसके अंदर करंट बचा हुआ है ना, उसको भी, जो इसके अंदर मैग्नेट बचा हुआ उसको भी हम फिनिश कर दें। अब जिस चीज़ को, बची हुई चीज़ को फिनिश करना है, तो हमें उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, टू डिस्ट्रॉय द रिमेनिंग मैग्नेटिज्म, जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है उसको भी हमें क्या करना है, फिनिश करना है। ठीक है, और आप ये बताओ, जब आप बचे हुए मैग्नेटिज्म को ख़त्म करोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस आएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो हिस्टेरेसिस की वजह से, हिस्टेरेसिस मतलब लैगिंग बिहाइंड, इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, लैगिंग बिहाइंड, इस वर्ड का मतलब होता है बेटा लैगिंग बिहाइंड, पीछे का बचा हुआ, ठीक है। तो इस पे जब आप करोगे ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, ओके। अब आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यू जो रिवर्स करंट हो, कंटिन्यू इंक्रीज करते जा रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद एक फिर से सैचुरेशन आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन मीन्स एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे हम रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट को मैक्सिमम कर सकते हैं आप। हाँ ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम आ चुके हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करंट को रिवर्स डायरेक्शन में कंटिन्यू बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आप ये बताओ ना बेटा, अगर आप करंट को बढ़ा रहे हो, चलो ठीक है ओके, हम करंट को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, हमने डी पॉइंट तक बढ़ा लिया, तो इसकी भी तो एक लिमिट है ना बेटा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जिस लिमिट तक ये इंक्रीज होएगा रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, द कर्व सी डी, ठीक है। ये जो सी डी कर्व है, ये क्या है, हमारा रिवर्स करंट इन सोलेनोइड, ठीक है, मैग्नेट जो क्या है, सैचुरेशन करंट है, यानी कि मैक्सिमम सैचुरेशन करंट इन रिवर्स डायरेक्शन। और हम इसमें किसका यूज कर रहे हैं बेटा, सोलेनोइड का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, सोलेनोइड का, ठीक है बेटा, रिवर्स डायरेक्शन में। तो कितना करंट आप बढ़ा पा रहे हो, ओके, मैक्सिमम करंट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आप देखो, द सोलेनोइड करंट इज रिड्यूस द कर्व। अब धीरे धीरे अब करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, वापस कम होना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे करंट क्या हो जाएगा, डी टू ई पर आएगा, यानी कि अब धीरे धीरे करंट वापस क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, रिड्यूस। ये मान लो ये धीरे धीरे अब ये करंट जो हमने रिवर्स डायरेक्शन में, जो हमने रिवर्स डायरेक्शन में करंट को बढ़ाया है, वो करंट पे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे कम होगा बेटा, ठीक है। तो वो ऐसे धीरे धीरे कम होता, वो ई पॉइंट पे आएगा, करंट कम हो गया, तो रिड्यूस करंट, ये क्या है, रिड्यूस करंट, घटा हुआ करंट, बट डायरेक्शन कौन सी रहेगी हमारी, रिवर्स रहेगी, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, उसके बाद ये कह रहा है कि द साइकिल रिपीट इट्सेल्फ, ओके, एंड इंक्रीज, और रिवर्स होके घटेगा, फिर एकदम से क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, फिर एकदम से क्या करेगा बेटा, ये इंक्रीज करेगा, और ई टू ए, फिर ये एकदम ई ए पाथ को फॉलो करेगा, और करंट एकदम से क्या करेगा, इंक्रीज, यहाँ पे घट रहा है, घट रहा है, फिर धीरे से एकदम क्या करेगा बेटा, ये इंक्रीमेंट शुरू करेगा, क्लियर। तो इस तरीके से एक पूरी साइकिल हो गई, मतलब ओ से हम चले, ओ टू ए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई फिर ए, तो ये पूरी जो साइकिल होती है, जो पूरी प्रोसेस हमने फॉलो करी है, इस पूरी साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं, ठीक है बेटा। इस साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व। तो हमने यहाँ से देखा, जब आप किसी भी मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को, एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में से पास कराते हो, मतलब कोई मटेरियल था वो पूरा मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, जो इसने पूरी प्रोसेस फॉलो करी है ना बेटा, ठीक है। तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आई एंड बी है, लैग बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो बेटा, जो इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजेशन की एंड मैग्नेटिक इंडक्शन जो बी है, वो पीछे है, बी क्या है, लैगिंग है, किससे, आई से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बी लैग बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ये दोनों क्या है, एच से कहीं ना कहीं पीछे, मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं एक तरीके से, ओके। सो आप क्या कह सकते हो कि द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेड जीरो, द वैल्यू ऑफ बी एंड आई डू नॉट रिड्यूस टू जीरो। जब हमारा एच क्या हो जाए, अगर जीरो हो जाएगा, तो बी एंड आई नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर एच हमारा जीरो हो जाएगा तो बी और आई भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है बेटा, ओके। तो अब इस प्रोसेस में देखो क्या हो रहा है, तो दिस फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ आई और बी बिहाइंड एच, तो जो फिनोमिना है, ये जो फिनोमिना है, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग बिहाइंड बिहाइंड आई या बी, किसी का भी पीछे रहना, फ्रॉम आई और बी, बिहाइंड एच, ठीक है, एच के पीछे रहना, जो इनके एच से पीछे रहना है, जब कोई मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करते हैं, ठीक है, एक पूरी प्रोसेस में फॉलो करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एच ऑफ व्हेन ए मटेरियल, व्हेन ए मटेरियल ऑफ सब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड इज सब्जेक्टेड टू ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन,
इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस बोलते हैं बेटा। क्लियर, इस फिनोमेना का आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अब ये बताओ जितनी ज़्यादा ये जो बीच का एक कर्व है ना बेटा, ये जो ये एरिया है बीच का, ये जो एरिया है बीच का, यही एनर्जी लॉस को दिखाता है। जितना ज़्यादा बड़ा बनेगा इन्हें उतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, जितना छोटा बनेगा ना उतनी कम एनर्जी लॉस होगी। तो जितना ये कर्व है ना, ये जितना ये कर्व है ये छोटा बने ना उतना हमारे लिए बेस्ट होता है। ठीक है, जितना ये कर्व छोटा बनेगा ना उतना हमारे लिए क्या होता है, ये बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा इसके अंदर क्या कह रहा था, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो एनर्जी लॉस होगा ना वो पर यूनिट वॉल्यूम होगा, मतलब एक डब्बे के हम वो मेजर कर लेंगे तो एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा, हमारा पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने क्या नोटिस करे, इस फिगर से हमने क्या क्या पॉइंट फाइंड आउट करे, हमने क्या नोटिस करे, हमने क्या ऑब्जर्व करा यहाँ से। ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाले, तो हमने क्या करा, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एच, ठीक है, जब हम कोई भी एच की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एच, जब हम एच की कोई वैल्यू लेते कोई देते हैं, तो जो बी और आई है दे आर नॉट यूनिक, नॉट यूनिक मतलब ये सेम नहीं रहते, दे आर चेंजेज। ठीक है, मतलब दे आर चेंजेज, ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ये प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करते हैं कि पहले मैग्नेटाइज कब हुए थे या नहीं हुए थे। सेकंड हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने कि यहाँ पे जो ओ ए ए बी जो हमने कंडीशन ली थी, ओ ए एंड ए बी ऑफ द स्टेट लव, ये कर्व लीनियर है, जैसे ये वाला था ओ ए और ए बी, ये कैसी हैं, ये कर्व कैसी हैं, कर्व लीनियर है, मतलब एक तरीके सीधे लीनियर कर्व है। ओके, सो बी और आई इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एच, जो बी और आई हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है किसके बेटा, एच के, ओवर ए रेंज, किसी भी रेंज पे। और हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व करा, और हमने से ये रोज ऑब्जर्व करा कि जो ये कर्व है, ये कर्व जितनी थिन होगी उतना एनर्जी लॉस क्या होगा, लेस होगा, और जितनी ये कर्व थिक होगी उतना एनर्जी लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने यहाँ से नोट डाउन करे हैं। ठीक है बेटा, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो यहाँ से कि द लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन सीजीएस सिस्टम। अगर हम सीजीएस से, देखो बेटा ये किसके लिए है, सीजीएस सिस्टम के लिए है। सीजीएस सिस्टम में किसके इक्वल होगा था, एरिया ऑफ आईएच ग्रुप, जो आईएच है उसका जो एरिया होगा आईएच का, क्योंकि आईएच का जो एरिया है उसी को हम एरिया को क्या बोलेंगे, आई और एच का जो एरिया उसी एरिया को हम बोलेंगे उसका एनर्जी लॉस। और एसआई सिस्टम में किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पीएच लूप। ठीक है, सीजीएस में आईएच बोल देंगे, और अगर आप एसआई सिस्टम की बात करते हो, एसआई सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, बीएच लूप हो जाएगा। ठीक है, इधर बी और इधर एच। ठीक है, अभी मैंने आपको ये एसआई सिस्टम के लिए समझाया है। ओके, नाउ इट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ बीएच लूप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका हिस्टेरेसिस कर्व था बेटा। आई होप आपको सारा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको इसको बहुत से अच्छे से करना है। ओके, अब इसमें एनर्जी लॉस मैं आपको साथ साथ मैंने आपको बता ही दिया है कि एनर्जी लॉस कैसे होता है। ठीक है, फिर भी मैं उसको दोबारा से अच्छे से बता देती हूँ एनर्जी लॉस के बारे में। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी लॉस पढ़ेंगे, किसके अंदर एनर्जी लॉस कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या कह रहा है, जब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है एक साइकिल, एक प्रोसेस, एक पूरी साइकिल के दौरान जब जाता है तो इसमें कुछ एनर्जी स्पेंड होती है, मतलब जब ये पूरी साइकिल को फॉलो करता है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये जो उसने पूरी साइकिल फॉलो करी, इसमें क्या होती है, इसकी कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, इसकी कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, कुछ एनर्जी इसमें स्पेंड होती है, और जो ये एनर्जी इसमें लॉस हो गई ना, उस एनर्जी को हम रिकवर नहीं कर सकते, उस एनर्जी को हम रिकवर नहीं कर सकते, रीगेन नहीं कर सकते। और ये किस फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हीट की फॉर्म में निकल जाती है ये। जब भी किसी मटेरियल को, मैग्नेटिक किसी भी मटेरियल को जब आप इस पूरी प्रोसेस के टाइम पे मैग्नेटाइज करते हो, डीमैग्नेटाइज कर देते हो, तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, लॉस हो जाती है। इसी एनर्जी को हम कभी भी रिकवर नहीं कर पाते। ओके, और ये एनर्जी लॉस होता रहता है। तो ये क्यों होता है बेटा, तो इट कैन बी शोन इन द लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम
कैसे शो कर सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल शो करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा एनर्जी लॉस है, जो हमारा एनर्जी लॉस है, ठीक है, एनर्जी लॉस एसआई सिस्टम में तो क्या होगा, बीएच कर्व का एरिया होगा, ठीक है। और जो हमारा एनर्जी लॉस है, अगर आप उसको सीजीए सिस्टम में लोगे तो क्या हो जाएगा, आईएच कर्व का एरिया, ठीक है। सीजीएस के लिए क्या हो जाएगा, आईएच कर्व का एरिया, और उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, ये बीएच कर्व का एरिया हो जाएगा, क्लियर। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि जो शेप एंड साइज ऑफ द आईएच एंड बीएच लूप डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जो आईएच कर्व है हमारा या हमारा बीएच कर्व है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल, साइज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल आपने ले रखा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो किस शेप का है, किस साइज का, उसके ऊपर इनकी कर्व डिपेंड करेगी। मतलब ये कर्व कैसी बनेगी, ये कर्व मोटी बनेगी, पतली बनेगी, कैसी कर्व बनेगी, मतलब ये कर्व ऐसी बनेगी या ये कर्व ऐसी बनेगी, डिपेंड करता है कि जो हमने मटेरियल ले रखा है ना, वो मटेरियल कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसकी शेप कैसी है, वो किस पर डिपेंड करेगा, हिस्ट्री ऑफ मटेरियल पे, उस मटेरियल की क्या हिस्ट्री रही है, मतलब पहले वो कितनी बार मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो चुका है, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा, क्लियर। सो बाय स्टडिंग द हिस्टेरेसिस लूप ऑफ वेरियस मैग्नेटिक मटेरियल, काफ़ी मैग्नेटिक मटेरियल की हिस्ट्री को स्टडी करके हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, जैसे रिटेंटिविटी, कोरोसिविटी, परमेबिलिटी, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो जो हिस्टेरेसिस कर्व है हमारा, वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ओके। इस तरह की जो स्टडी हम करते हैं, वो हमें इस लायक बनाते हैं, इतनी एबल कर देते हैं हमें कि हम अलग अलग मटेरियल को डिफरेंट उसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ट्रांसफॉर्मर है, परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ओके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है बेटा कि व्हाई द स्टील इज़ यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट, व्हाई स्टील इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट। स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टील इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट बिकॉज स्टील, जो स्टील होता है, स्टील की जो रिटेंटिविटी होती है स्टील की, बिकॉज स्टील हैज हाई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, दैट इज स्टील हैज हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरोसिविटी, ठीक है। स्टील की जो रिटेंटिविटी है वो भी हाई होती है, और जो इसकी कोरोसिविटी है वो भी क्या होती है, वो भी हाई होती है। इस वजह से हम इसको परमानेंट मैग्नेटिज्म में यूज करते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है बोर्ड्स में बेटा, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और 5 मार्क्स में बोर्ड्स में आता है, सीबीएसई बोर्ड्स में, कोई भी बोर्ड हो, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाई सॉफ्ट आयरन यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब सॉफ्ट आयरन का मतलब बेसिकली बेटा एक नेल होता है जिसको हम जल्दी से मैग्नेटाइज कर सके और डीमैग्नेटाइज कर सके, वो होते हैं सॉफ्ट आयरन, ठीक है। छोटी क्लासेस की बातें हैं, आपको पता होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, बिकॉज जो एरिया है हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया है, और जो फोर्स ऑफ आयरन, ठीक है, वो क्या होता है, स्मॉल एरिया क्या होता है, स्मॉल हिस्टेरेसिस कर्व का जो एरिया है वो इसके लिए काफ़ी स्मॉल होता है। सो इसमें एनर्जी लॉस क्या होगा आपका, एनर्जी लॉस भी क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, क्योंकि देखो अब ये जो कर्व बन रही है, ये कर्व बिल्कुल पतली बन रही है, तो जितनी कर्व कम बनेगी उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, हिस्टेरेसिस या स्मॉल होगा, तो एनर्जी लॉस भी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। और हम यही तो चाहते हैं कि एनर्जी लॉस कम से कम हो, ठीक है। तो एनर्जी लॉस कम होगा तो डीमैग्नेटाइजेशन, तो जो अब इसका जब ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा तो उसकी एनर्जी कम से कम लॉस होगी, और इट ऑल्सो हैव, इसके पास क्या होती है, हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोरोसिविटी, ठीक है।
ठीक है। इसकी रिटेंटिविटी भी क्या होती है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और कोएसिविटी का मतलब क्या होता है, जो हमने एक्स्ट्रा फोर्स उस पर अप्लाई करा था, तो ये दोनों भी क्या रहेंगी इसकी, हाई रहेंगी बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा इसके ऊपर बेस्ड, क्लियर। और सॉफ्ट आयरन और स्टील से हमने यहाँ पे क्या देखा बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। आप चाहो तो इनकी कर्व भी बना सकते हो, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन की और इसकी दोनों की, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपका मान लो ये दिस इज फॉर एच, दिस इज एक्स एक्सिस फॉर एच एंड दिस इज फॉर आई, ठीक है। तो जो इसका हिस्टेरेसिस कर्व बनता है सॉफ्ट आयरन के लिए, तो क्योंकि सॉफ्ट आयरन के लिए नैरो बनेगा, तो सॉफ्ट आयरन के लिए आप कह सकते हो कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल पतला सा, ठीक है, बिल्कुल पतला सा बनाओ ये स्लिम सा, ये सॉफ्ट आयरन के लिए, किसके लिए कर्व है, सॉफ्ट आयरन के लिए, इसीलिए इसको बेस्ट माना जाता है। और जो आपका स्टील का बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, थोड़ा सा बड़ा बनता है, ये किसके लिए हिस्टेरेसिस कर्व है, स्टील के लिए। तो आप ध्यान से खुद ही देख लो कि किसकी जो हिस्टेरेसिस कर्व है वो अच्छी है, तो हिस्टेरेसिस कर्व इसकी क्या है, लेस है, तो इसलिए इसका एनर्जी लॉस कम हो रहा है, तो ये बेटर है एज कम्पेयर टू, तो इसलिए परमानेंट में हम स्टील को यूज़ करते हैं और टेम्परेरी में हम सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं, बिकॉज इसको जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। सो दिस इज हिस्टेरेसिस कर्व बेटा, आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।